आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद संबल के ग्राम महबूर में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर फर्जी तरीके से खाते से रकम निकालने का आरोप लगाया। प्रार्थी ने शिकायती पत्र में बताया है कि उसने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फार्म आवेदन किया था, जिसमें उसका नाम मंजूर हो गया था और उसकी रकम भी सरकार द्वारा आ गई थी। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ने फर्जी तरीके से उसका खाता खुलवाकर उसकी 1,20,000 की रकम हड़प ली, जिसका उसको इंटरनेट की मदद से पता चला कि उसकी रकम उसके खाते में आ चुकी है और उसको आज तक कभी प्राप्त नहीं हुई है। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार के साथ वीरेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? इशरत। क्या है, कहाँ की रहने वाली? क्या है कॉलोनी का? कॉलोनी का मतलब यह है, छप्पर में हम रह रहे हैं। 5,000 रुपये पलटू ने ले लिए हमसे, क्या हम कॉलोनी दिला देंगे? नहीं तो पैसे दिए हैं और नहीं कॉलोनी दिलाई है। पलटू कौन है? पलटू प्रधान हैं के हैं मऊ के। अच्छा, तो आप इसी छप्पर में रहती हैं? हाँ, इसी छप्पर में रहती हूँ। क्या नाम? पति का नाम है अनवर। तो अभी तक आपका मकान आवास ही नहीं बना? मकान नहीं बना, इसमें रह रहे हैं छप्पर में। कब लिए थे पैसे? पैसों को हो गए 4-5 साल हो गए लिए। दो साल हो गए। हाँ, दो साल। हाँ, कौन से गांव से? महबूर। क्या मामला आप? मेरी किस्त, मेरा क्या नाम है, वो मिली कॉलोनी, मेरी कॉलोनी किसी और के नाम पर निकलवा दी। कैसे निकलवा दी? मेरा आधार कार्ड लगा के और दूसरे के नाम पर दर्ज कर दिया। तो आपने वैसे कल मकान बना लिया क्या? अभी नहीं बनाया, कर्जे से मकान बनाया। कर्जे से क्यों बनाया आपने मकान? किसने कहा था आपसे? जब ये पलटू ने मकान गिरवा दिया मेरा, तो मैं किसी से कर्जा लेकर जब मकान बनवाया। कर्जा लेकर तो क्यों बनवाया आपने मकान? क्यों आपको रहने के लिए परेशानी? तो परेशानी क्यों? आपको किस्त मिली कोई? मुझे कुछ नहीं। कितना रुपया आया आपका? 1,20,000। तो आप क्या कार्रवाई? मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। कहाँ कहाँ गए थे आपसे दर्ज कराई? DM के पास। तो आप क्या चाहते हो? मुझे पैसे मिल जाए मेरे। क्या मामला? मेरे साहब कॉलोनी आई थी, कॉलोनी एक किस्त आई 2016 में, बाकी आज तक कोई दूसरी किस्त नहीं आई। और मैंने प्रधान से कई बार कहा, बैंक वाले से भी कहा जाकर, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि आपका कोई रुपया नहीं आया है। एक किस्त आने के बाद आज भी मेरा मकान अधूरा पड़ा हुआ है। 2016 में एक किस्त आई है मेरे पास, आज तक कोई पैसा नहीं आया। कितने की आई? 35,000 रुपये की। 1,20,000 नहीं आया? नहीं, 35,000 रुपये की किस्त आई। तो आपको 1,20,000 ना मिले? नहीं मिले। तो फिर और कहाँ गए? क्या बात, हम कहाँ गए, मैंने कर दिया बैंक वाले ने भी, प्रधान ने भी। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई? नहीं कराई साहब। तो क्या क्या नाम? कॉलोनी का ये मामला है कि उनने 5,000 रुपये ले लिए हमसे कॉलोनी के नाम पे, 2 साल पहले। तो अभी तक कॉलोनी ना आई है, ना पैसे दिए पलटू प्रधान ने, क्या कॉलोनी मिलेगी तो मैं कॉलोनी के पैसे वजह से पैसे दिए। चाहते अब ये चाह रहे हैं कि कॉलोनी आए या हमारे पैसे दें। बताइए क्या मामला है? हमने पैसे दिए कॉलोनी को। अच्छा, जोर से किसने? नहीं आई हमारी। कितने दिन हो गए पैसे दिए? हो गए कोई 5-6 महीने। अच्छा, क्या कहते हैं अब? वो कहते हैं आ जाइए आ जाइए। अच्छा, और भी कुछ कहते हैं? वही कह रहे हैं, तुम काफी चिंता कर रहे हो, तुम्हारी आएगी कॉलोनी, आएगी कॉलोनी, बता दो तुमने सब ले लाए, निकाले तुमने तो हमें कहोगे आप? छप्पर में ले रहे हैं। छप्पर में रह रहे हैं? पैसे निकाल लिए उन्होंने? निकाल लिए होंगे जब हमारे सब समय देरी हो रही है तो। अच्छा, हल्का सा गिर